क्या है प्रेम मंदिर का रहस्य? प्रेम मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें कोई नहीं जानता। दोस्तों, मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर का नाम सभी ने सुना होगा। जिस तरह आगरा का ताजमहल प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, वैसे ही वृंदावन का प्रेम मंदिर भी राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। इस मंदिर की खूबसूरती इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्त घंटों के लिए उसकी भव्यता में खो जाते हैं। दोस्तों, जब भी राधा कृष्ण की बात होती है तो इस बात का जिक्र अवश्य होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में राधा कृष्ण जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनका प्रेम सिखाता है कि प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं, बल्कि सखी साथियों, माता पिता, भाई बहनों, पशु पक्षी सभी से हो सकता है। वैसे तो श्री कृष्ण की नगरी में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, इसलिए तो ये मंदिर पूरी तरह प्रेम को समर्पित है। दोस्तों, मथुरा के वृंदावन में निर्मित प्रेम मंदिर पांचवें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा बनवाया गया था। जगत गुरु कृपालु महाराज श्री कृष्ण के भक्त थे और इसी कारण उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले प्रेम मंदिर का निर्माण कराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेम मंदिर सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक ही नहीं, बल्कि भगवान राम और माता सीता के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। हर दिन यहाँ काफी तादाद में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण 14 जनवरी 2001 में शुरू किया गया था। इस मंदिर के निर्माण में पूरे 11 साल का समय लगा था। 17 फरवरी 2012 से इसे सार्वजनिक रूप से भक्तों के लिए खोल दिया गया था। ये मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है जो कि इटली से मंगवाए गए थे। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को काफी आकर्षित करती है। इस मंदिर में देश के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं। होली और दिवाली में मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण की मनोहर झांकियां और सीता राम का खूबसूरत फूल बंगला है। मंदिर में फव्वारे, श्री कृष्ण और श्री राधा की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाई गई हैं। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नज़र आता है। बता दूं कि यहाँ पर स्पेशल लाइटनिंग लगाई गई है जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में मंदिर का रंग बदल जाता है। मंदिर में सत्संग के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है जो कि 2018 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। दोस्तों, ये कुछ रहस्य थे प्रेम मंदिर के। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप सब में से कोई प्रेम मंदिर गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू गाइज़।